हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूबी है और आप देख रहे हैं रूब्स यूनिवर्स। सो आज की रेसिपी है एग मसाला। और एग मसाला बनाने के लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बड़ी ही आसानी से जल्दी बन जाएगा। उससे पहले अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज 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 लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं अपना एग मसाला। सबसे पहले बॉईल किए हुए अंडों को कट लगा लें ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर चले जाए। अब एक कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और धीरे धीरे इसे पलटते भी रहेंगे ताकि एग इवनली फ्राई हो जाए। अब हम एग्स को अलग निकाल कर रख लेंगे। उसी कढ़ाई में एक तेज पत्ता के साथ दो तीन बारीक कटे हुए हरी मिर्च और दो तीन मीडियम साइज डाइस कटे हुए प्याज मिला देंगे। प्याज को तब तक पकाएं जब तक उसका कलर मीडियम ब्राउन ना हो जाए। इसे मीडियम आंच पे पकाना है। अगर आप चाहें तो इसमें पत्ते वाले प्याज जो कि सर्दियों में मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं। प्याज अब अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच फ्रेश जिंजर गार्लिक जो कि अच्छे से पिसे हुए हैं उन्हें मिला देंगे। अगर आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप घर पे ही इसे बना कर डालें। अब हम इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 स्पून सब्जी या चिकन मसाला पाउडर डालें और थोड़ा सा पानी डालकर सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला दें। मसाले को अच्छी तरह से पकने दें। इसे चलाते रहिए। लगभग 10 मिनट बाद मसालों के अच्छे से भुनने के बाद अब मैंने इसमें 2 टमाटर काट कर डाल दिए हैं। टमाटर से ग्रेवी बहुत ही थिक होगी। एक और फायदा ये है कि वो मसाले की गर्मी को बैलेंस कर देता है। थोड़ी देर बाद इसमें हम अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और उसे मिला देंगे। लगभग 5 मिनट बाद इसमें 1-2 कप पानी डालकर मिला देंगे। पानी डालने के बाद आप चाहें तो फ्लेम को लो भी कर सकते हैं। अब फ्राइड एग्स को भी हम इसमें डालकर ढक देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी में बॉईल आएगा तब तक मसाले भी एग्स में अच्छी तरह से मिल जाएंगे। हमारा एग मसाला रेडी हो गया है। आप इसे फ्रेश धनिया के साथ भी सर्व कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Do like, share and comment. Also, do not forget to subscribe to my channel.